कोरोना काल के चलते मध्य प्रदेश में रविवार को फुल लॉकडाउन रहेगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्ण लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब तक किल कोरोना अभियान के तहत 42% लोगों का सर्वे हुआ है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के चलते प्रदेश की परिस्थितियां बदल जाती है, जिसके लिए बॉर्डर पर लोगों की जाँच के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है। अभी तक हमने 42% पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे हो गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो सैंपल लिए गए वो संभावित और डाउटफुल लोगों के, वो 40,021 थे। और इसलिए मध्य प्रदेश की एडवाइजरी में ये भी तय करने का तय किया है कि हफ्ते में एक दिन, मतलब इतवार को, संडे को पूरा लॉकडाउन करेंगे। पूरी तरह से मध्य प्रदेश बंद रहेगा। एडवाइजरी में आज मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि मास्क लगाना अनिवार्य, दुकानदार, व्यापारी, मॉल, इन लोगों को मास्क के साथ में सैनिटाइज भी रखना अनिवार्य। और इस तरह की एडवाइजरी पूरी बन रही है, जिनमें मैंने एक दो बिंदु आपको बताए, वो सारे के सारे बिंदु कल तक हम फाइनल करके आपके सामने रखेंगे।